आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जॉब कार्ड में लेवर प्राइस कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर, मान लीजिए आप जॉब कार्ड जब कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको मान लीजिए LC 100 एक लेवर प्राइस है, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी अगर 1 डालते हैं तो लेबर प्राइस यहाँ पर आता है 118 रुपये। हम चाहते हैं इसको चेंज करने का, तो वो कैसे चेंज करते हैं। आप यहाँ पर मान लीजिए आपको जाना है मास्टर सर्विस का काम सर्विस में और लेबर प्राइस। लेबर प्राइस में जाने के बाद आप यहाँ पर वो कोड को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए LC 100 ये एक लेबर कोड है। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए पेड डिस्क्रिप्शन भी डालकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो पेड से रिलेटेड सारा यहाँ पर लेबर कोड यहाँ पर आ जाएगा आपको। या फिर आप सर्विस इंजीनियर से आप वो कोड एक्सेल शीट आप ले सकते हैं, किस एक्सेल शीट में किस कोड पे क्या प्राइस है आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए हम लेबर प्राइस में एक कोड हमको याद है, LC 100 एक कोड है, उसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर वो वैसा प्राइस यहाँ पर 100 था, 100 का 998% जब लगता है यानी 18% GST लगता है, तो लगने के बाद यहाँ पर 118 रुपया हो गया, यानी GST को GST हटाकर यहाँ पर आपको प्राइस यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जब हम ये कर रहे हैं प्राइस डाल रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 84.5, मान लीजिए 100 रुपया उधर करना है तो यहाँ पर हम 84.5 डाल रहे हैं, उसके बाद में 100 रुपया उधर आएगा तो कैसे आएगा। यहाँ पर आपने ये डाला, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद मान लीजिए कोई एक फ्रेम हम सर्च करिए, फिर उसके बाद में फिर हटाकर LC 100 इसी यही कोड है यहाँ पर, देखिए उस हिसाब से प्राइस चेंज हो गया, यानी 18% को लेने के बाद यहाँ पर वो आते हैं। तो उसी हिसाब से आप 18% कम करके आप यहाँ पर लेबर प्राइस में आप यहाँ पर कम करके आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद।